गहरी नींद, सो जाएं बहुत गहरी नींद। अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद। अब मैं जैसे ही आपके माथे को प्रेस करूंगा, आप बहुत गहरी नींद में सोते जाएंगे, बिल्कुल डूंगी नींद, बहुत गहरी नींद। मैं अब आपके माथे को प्रेस करूंगा बारी बारी से और एक दो तीन कहूंगा, जैसे ही तीन कहूं माथा दबाऊं, आप बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएंगे। एक दो तीन सो जाएं, एक दो तीन सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद। एक दो तीन बिल्कुल गहरी नींद, एक दो तीन बहुत 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 गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। अब आप बहुत गहरी नींद में, पूरी तरह से एक गहरी नींद। अब आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा आप करते जाएंगे। तो ये हिप्नोटाइज हो चुके हैं, ठीक है? हाँ जी, तो इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो अब मैं जो कहूँगा ये वही करेंगे, ठीक है? अब मैं इनकी पांचों जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको मैं बदल सकता हूँ, इनको गर्मी का एहसास करवा सकता हूँ, पसीना आ जाएगा, इनको ठंड का एहसास करवाता हूँ, कंप कंपी छूट जाएगी, और इनको इनका जीभ का स्वाद बदला जा सकता है, मिर्च खिला के गाजर बना सकता हूँ, नमक से चीनी, और आँखों के आगे भ्रम कि मैं कुछ भी दिखाऊँगा कहूँगा वही दिखाई देगा, ठीक है? छोटे मोटे प्रयोग करके देखते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। अब आप बहुत गहरी नींद में हो, पूरी तरह से गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। अब आपका यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया है, यह हाथ बिल्कुल सुन्न है, दर्द को गायब किया जा सकता है, दर्द नहीं होगा। तो ये हाथ बिल्कुल सुन्न है, यहाँ पर कोई दर्द नहीं, इसको काट भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हाथ ऐसे ही रहेगा। ये हाथ आपका पूरा सुन्न हो चुका है, एकदम सुन्न, एकदम सुन्न, यहाँ पर कोई दर्द नहीं, बिल्कुल सुन्न है, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न। यह हाथ मैंने बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। आपका यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका है, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न। यह हाथ मैंने यहां बांध दिया है, यह हाथ ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो यह हाथ मैंने अब नॉर्मल कर दिया, छोड़ दें बिल्कुल, सोए रहे गहरी नींद में। यह हाथ मैंने खोल दिया है, छोड़ दें, यह हाथ मैंने खोल दिया है, बिल्कुल छोड़ दें। अब आपके कानों के आसपास बहुत सारे मच्छर हैं, वो आपको काट रहे हैं, आप उन्हें उन मच्छरों को उड़ाओ। गालों के आसपास मच्छर आ रहे हैं, उड़ाओ उनको, मच्छरों को उड़ाओ, काट रहे हैं, मारो गालों पर, मच्छर हैं आपकी गालों के आसपास, मारो, मच्छर हैं, मारो उनको, जोर से मारो गालों पर, जोर से उड़ाओ, मच्छर हैं, खा रहे हैं, उड़ाओ उनको, आपके कानों के आसपास मच्छर हैं, उड़ाओ उनको, जोर से मारो, खा जाएंगे, मारो इनको, मसल दो गाल पर, मसल दो गाल के ऊपर, मच्छर बैठे हैं, मारो गाल पर, मसल मसल दो उनको, जोर से मारो, जोर से, पूरा जोर से, हाँ। अब मैंने मच्छरों को उड़ा दिया है, वो भाग चुके हैं, सोए रहे गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद, तो बहुत गहरी नींद में सोए रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ, बिल्कुल गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में। अब बहुत गहरी नींद में हो, पूरी तरह से गहरी नींद में हो, यह हाथ मैंने यहाँ पर बांध दिया है, यह हाथ ऐसे ही रहेगा, यह हाथ लॉक हो चुका है, पूरा लॉक हो चुका है, एकदम लॉक, यह हाथ पैर बिल्कुल लॉक, बिल्कुल लॉक, एकदम लॉक है। अब आप चल नहीं सकते, जब मैं कहूँगा तभी चल पाओगे, चलने का प्रयास करोगे गिर जाओगे। इनको बुलाना, नहीं नहीं यार, ना हाँ बुला के देख लो, बिल्कुल गहरी नींद में सोए रहे, बिल्कुल गहरी नींद में। यह हाथ बिल्कुल लॉक हो चुका है, ऐसे स्टील हो चुका है, ऐसे ही रहेगा। हाथ नीचे करके देखना, हाँ बिल्कुल लॉक है, ये हाथ यहाँ पर बांध दिया, ऐसे ही रहेगा। अब करके देख, सही होता है जी, यह हाथ ऐसे ही रहेगा, ये लॉक है। इनको चला के देख लो, खींच के देखो, चला के देखो, खींच के देखो, दूसरा हाथ मांगो, यह हाथ बिल्कुल लॉक है, यह हाथ मांग के देखो, दूसरा उसरा वो बिल्कुल लॉक, बिल्कुल लॉक है ये, ऐसे तो
जाएगा लेकिन वैसे नहीं जाएगा, दो हाँ ऐसे नहीं आएगा, तो चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल लॉक हो चुका है। अब आप चल नहीं सकते, चलने की कोशिश करोगे और ज्यादा जाम होते जाओगे, अब आप चल नहीं सकते। तो अब आप बहुत गहरी नींद में हो, पूरी तरह से गहरी नींद। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हिप्नोटाइज करके पैसे लूट लेते हैं ना, हम अपना सब कुछ दे देते हैं, तो वैसे ही करते हैं। जैसे मोबाइल, जैसे गहने, सब कुछ लिया जा सकता है, सब कुछ मैं कहूँगा वही करेंगे, चाहकर भी विरोध नहीं कर पाएंगे। मन तो कहेगा कि ना करूँ, मेरी बातों को ये इग्नोर नहीं कर सकते, मेरी बातों को फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड पर मैंने कमांड हासिल कर ली है। तो अब और भी बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे इन सब को मैं आप सभी को अब मीठा दूध पिलाता हूँ, ये पिलाऊंगा, स्वाद दूध का आएगा, ठीक है। अब आपको मैं मीठा दूध पिलाता हूँ, अब आप मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, दूध पी जाइए, बहुत मीठा दूध है, शाबाश। कैसा लग रहा है, कैसा है, कैसा है बताओ, कितना मीठा है, हाँ जोर से बताओ, दूध कैसा है, मीठा, हाँ क्या पिए, जोर से बताओ सबको, दूध पिया है, दूध का स्वाद कैसा है, मीठा है। तो ये तो आंखें बंद करके पिलाया, मैं आंखें खुली करके भी पिला दूंगा तो भी कहूंगा दूध है, दूध बोलेंगे, बोलूंगा चाय है तो ये गर्म लगेगी, ठीक है। तो सबके साथ किया जा सकता है, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो एक लास्ट प्रयोग कर देते हैं, इनको घुमाना है, और भी आपकी कोई इच्छा हो, मेमोरी फास्ट कर देते हैं, जैसे इनका नाम बदला जा सकता है, इनकी गिनती बुलाई जा सकती है, किसका बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएं, पूरी तरह से गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। अब से आपका नाम सुनीता है, आज से आपका नाम सुनीता है, प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। अब आप से जब भी मैं नाम पूछूंगा आप सुनीता बताओगे, क्या नाम है, सुनीता। जोर से बताओ सबको, क्या नाम है, सुनीता। आपका क्या नाम है, सुनीता। हाँ किसने रखा था, प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो क्या नाम आपका, सुनीता, सुनीता नाम है इनका। आपका नाम होशियार सिंह है, आज से आपका नाम होशियार सिंह है, जैसे ही मैं होशियार सिंह बुलाऊंगा आप बोलोगे, क्या नाम आपका, होशियार सिंह। अब आप दसवीं क्लास के छात्र हो, दसवीं क्लास में पढ़ते हो, आपका नाम होशियार सिंह है और आप दसवीं क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है, होशियार सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, दसवीं। हाँ ये मैंने मेमोरी बदल दी है, तो जो मैं फीड करूंगा वही होगा, ठीक है। तो जैसे सारे तो एकदम पूरे नहीं जाते, जैसे ये बच्ची बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज है, हैं, हाँ ये बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज है, इसको अब मैं जो भी कहूंगा वही दिखाई देगा। कागज देना, कागज, कागज है किसी का, तो सुनीता आप बहुत गहरी नींद में हो, आप बहुत अच्छी बच्ची हो। तो सुनीता अब मैं आपको एक 2000 रुपये का नोट दे रहा हूँ, गुलाबी रंग का 2000 रुपये का नोट है मेरे पास, अब आप आंखें खोलोगी और आपको 2000 रुपये का नोट दिखाई देगा। सुनीता आंखें खोलो और देखो क्या है ये, 2000 का नोट, जोर से बताओ, 2000 का नोट, कैसा है, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग का, 2000 कहाँ लिखा हुआ है, आप हाथ करके बता सकती हो, 2000 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप 2000 रुपये रखोगे मेरे एक बार, फिर मुझे बाद में दे दोगे, ठीक है, हैं? आप रख लो दोनों हाथों से इसे रख लो, और जब मैं मांगूंगा तब मुझे 2000 रुपये दे देना। तो आज से मेरे कितने रुपए आपके पास है, 2000। तो जोर से बता दो अभी, सर के 2000 रुपये मेरे पास है, सर के 2000 रुपये मेरे पास है, हाँ रख लीजिए, आप रख लीजिए इसको समेट करके, ठीक है, मैंने 2000 रुपये आपको दे दिए, ठीक है। तो चलो अब समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर, और चीजें बदलेंगे तो गिनती बुलाएंगे या और करेंगे तो लंबा समय चला जाएगा। तो अब बच्चों आपकी बहुत इच्छा थी कि आप घूमने जाएंगे, आपको अब मैं पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ, आप बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ देखोगे, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी देखोगे, वहां पर पशु भी दिखाई देंगे। कर देता हूँ, यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका है, बिल्कुल सुन्न, एकदम सुन्न, बिल्कुल सुन्न, मैंने लॉक हटा दिया है, पैरों से लॉक हटा दिया है, अब आप बैठ जाएं, सो जाएं गहरी नींद में। अब मैं आपको पहाड़ों पर ले जा रहा हूं, बहुत, अब आप पहाड़ों पर जा रहे हैं, बहुत सुंदर पहाड़ हैं, आप देख करके बहुत खुश हो रहे हो, चारों तरफ बर्फ फैली हुई है, बर्फ
आपको बर्फ दिखाई दे रही है, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल हैं, पेड़ हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है? फूल। कैसे रंग के फूल हैं? कैसे रंग के फूल हैं? बहुत सुंदर, अलग अलग रंग के। और वहां पर पक्षी भी हैं, रंग बिरंगी चिड़ियाएं, हिरन, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप क्या देख रहे हो आप? हाँ जी, क्या क्या देख रहे हो? और चिड़ियों और हिरन और पक्षियों के साथ आप खेल रहे हो, आप बर्फ में खेल रहे हो, पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ खेल रहे हो। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। किसके साथ खेल रहे हो आप? क्या कौन कौन से जानवर हैं? हाँ जी, हिरन। आप हिरन को हाथ लगाओ, हिरन के साथ आप खेल रही हो, आप पक्षियों को भी हाथ में ले रहे हो। आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप बर्फ में भी छलांगे लगा रहे हो, पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं, जानवरों के साथ आप बर्फ में खेल रहे हो। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। दो मिनट में भेज देते हैं इनको सिटी। तो अभी अब आपको पानी पिया था आपने सुबह बहुत, लेकिन सब कुछ ठंडा है, तो आपकी अब चाय पीने की इच्छा है। तो अब आपको गरम गरम चाय की इच्छा है, तो अब आप हाथ से चाय पियेंगे। हाँ, आप एक हाथ से चाय पीजिए, चाय ये लीजिए, हल्के से चाय पी लीजिए, पी लीजिए। हाँ, पकड़ लीजिए, आराम पकड़ लीजिए गिलास को, और मुंह सीधा करके पी लीजिए, हल्के हल्के घूंट। चाय पी रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। आप पी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको दूध पिलाता हूँ, आप दूध पीजिए, पीजिए। हाँ, पी लीजिए, दूध पी लीजिए, बहुत मीठा दूध। अब मैं आपको भी दूध पिलाता हूँ, पी लीजिए, पी लीजिए। बस अब चाय छोड़ दीजिए। हाँ, गर्म है, थोड़ी सी फूंक मार लीजिए, गर्म है चाय, फूंक मार के पी लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आप पक्षियों में खेल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको मैं वहीं पर छोड़ रहा हूँ, आप कुछ देर तक अपनी मर्जी से खेलेंगे। अब आप चाय छोड़ दीजिए, अब आप मर्जी से खेलो पक्षियों के साथ। दो मिनट तक आप पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ खेलते रहो, फिर हम वापस आएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। अब ये प्रयोग समाप्त है, ठीक है, इनको उठा देंगे अब। तो ये हिप्नोटिज्म का एक प्रयोग था। तो इसमें क्या है कि 500 ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित भ्रम, हेलुसिनेशन पैदा करवाए जा सकते हैं। जो मैं कहूँगा वही इनको लगेगा, जो भी मैं निर्देश दूंगा वही ये मानेंगे, ठीक है। तो ये अचेतन मन की पावर है, कितना शक्तिशाली है ना हमारा मन, तो इसको यूज करना आना चाहिए। लेकिन हम गलत तरीकों से हिप्नोटाइज हो रहे हैं भी। फेसबुक हमें आज हिप्नोटाइज करता है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, तो उसमें जितना भी कचरा दिखाया जा रहा है वो भी तो हमारे ऊपर कंट्रोल किए हुए है ना, हम उसे ही सच मानते हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जो सोशल मीडिया पर आता है, मोबाइल पर आता है, वो कचरा है। क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरे पास हजारों जो इलाज लेने आते हैं वो उसी कचरे से बीमार आते हैं। तो आप कभी भी कचरा दिमाग में मत डालो। जो अध्यापक आपको बताते हैं, अनुभव की बातें बताते हैं, और जो रियल लाइफ में आप अनुभव करते हो वही सच है। क्योंकि हकीकत में जो वीडियो में देखते हो फेसबुक पर, वो हकीकत से लेना देना ही नहीं है, वो झूठ है। उनमें जो भी बताते हैं, वीडियो में दिखाते हैं, उनका मनोविज्ञान से लेना देना नहीं, वो एक काल्पनिक दुनिया है। आप उसको ज़्यादा देखोगे तो काल्पनिक दुनिया में और ज़्यादा उसमें घुसते जाओगे और फिर मानसिक रोग जन्म लेते हैं। तो मानसिक रोगों की सीधी सी परिभाषा यही है कि हमारा हकीकत से नाता टूट जाना, हमारा कल्पना लोक में ही चले जाना, वो मानसिक रोग है। तो इन बातों को आप बच्चों ध्यान रखोगे, ठीक है, ओके। तो अब आपने बहुत घूमा, बहुत इंजॉय किया, अब आप वापस आओगे, मैं आपको वापस लेकर के आ रहा हूँ। अब आप सभी पक्षियों को बाय बाय कर रहे हैं, हाथ से बाय बाय कीजिए पक्षियों को और पशुओं को। हाँ, बाय बाय कीजिए, बाय बाय कीजिए हिरन को, सबको बाय बाय करो, बाय, जोर जोर से करो, जोर जोर से करो। ये कब, इसकी प्रोग्रामिंग कम है ना? अच्छा, प्रोग्रामिंग कम है। हाँ हाँ, बाय बाय करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको
वापस लेके आ रहा हूँ, अब हम वापस आएंगे। आज आपको बहुत इंजॉय महसूस हुआ, बहुत आनंद महसूस हुआ, आप फिर से भी मेरे साथ कभी घूमने चलेंगे, मैं फिर से भी लेके जाऊँगा। तो अभी हम वापस आ रहे हैं, अब मैं ताली बजाऊँगा, जैसे ही मैं ताली बजाऊँगा आप गहरी नींद से बाहर आ जाएंगे। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ, खड़े हो जाइए। क्या क्या देखा? कुछ देखा। क्या है बताओ, जोर से बताओ सबको। हाँ, सबको बताओ। आपने घूमा, आपने देखा, इन्होंने कुछ नहीं देखा, ये तो यहीं बैठे थे, यहीं थे। हाँ हाँ, हिरन देखे, फूल भी देखे, पहाड़ भी देखे। हाँ, कैसा? एकदम रियल में घूम के है ना? हाँ, एकदम रियल अनुभव था पूरी तरह से। तो आपको कैसा लगा, जोर से बताओ सबको। बहुत अच्छा। क्या पिया था? हैं? चाय। चाय पी? गर्मा गर्म? आपने क्या पिया था? आपने दूध पिया था, आपने चाय पी। अच्छा, वेरी गुड। तो और क्या क्या देखा वहाँ, क्या क्या खेले? तो रियल में खेले एकदम? हाँ। तो आपने क्या देखा? पशु पक्षी। कैसा लगा? बढ़िया लगा। और क्या पिया था? जोर से बताओ, क्या पिया था? दूध। दूध कैसा था? मीठा था जी। बिल्कुल मीठा दूध था। हाँ जी, इन्होंने दूध पिया था, ठीक है। क्या पिया था आपने? पिए नहीं? चाय पी थी। कैसी लगी चाय? बहुत अच्छी लगी। और कहाँ कहाँ घूम के आए? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा रियल में? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। आप भी आज चलो। हाँ हाँ, वो एक बार सोने दो, वो ज्यादा जीत चली गई। हाँ, वो आएगी नहीं अभी, ये 2-3 घंटे बाद आएगी। तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं, तो सुनीता अभी नहीं उठेगी, तो इसको ना स्टाफ रूम में या जो रेस्ट रूम है ना वहां पर लेटा देना, ये 2-3 घंटे बाद उठेगी। हाँ, तो इसको कोई सहेली है ना, इसकी पकड़ के ले जाना, 2 सहेलियां पकड़ के ले जाना इसे, ठीक है। ओके, ठीक है। कोई सवाल किसी का? फिर मिलते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है।